हेल्दी रेसिपीज के लिए हमारे चैनल जूस फूड को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। प्रेस द बेल आइकॉन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम अस। सबके जीवन में कोई ना कोई करीबी इंसान होता ही है, वैसे ही हमारे बॉलीवुड की एक्ट्रेस के जीवन में भी कोई करीबी इंसान थे जब वह बॉलीवुड में एंटर नहीं हुए थे। तो आज हम आपको इनके बॉयफ्रेंड्स के बारे में बताने वाले हैं। दीपिका पादुकोण और निहार पांड्या। बॉलीवुड की ब्यूटीफुल एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण, जो अपनी खूबसूरती के साथ साथ अपनी अदाकारी की छाप भी दर्शकों पर छोड़ जाती है। आज हम आपको बॉलीवुड में एंटर होने से पहले खूबसूरत दीपिका की सीक्रेट्स के बारे में बताने वाले हैं। बॉलीवुड में कदम रखने से पहले दीपिका का पहला बॉयफ्रेंड था, जिसका नाम है निहार पांड्या। यह दोनों एक एक्टिंग स्कूल में मिले थे। दोनों ने एक साथ हिमेश रेशमिया के दो गानों में काम किया है। उस वक्त दीपिका और निहार एक दूसरे को डेट करते थे और लिव इन रिलेशनशिप में भी रहते थे। प्रियंका चोपड़ा और असीम मर्चेंट। बॉलीवुड में एंटर होने से पहले प्रियंका असीम मर्चेंट को डेट करती थी। मिस वर्ल्ड बनते ही प्रियंका ने असीम मर्चेंट को छोड़ दिया। 2014 में असीम ने ऐसे घोषित किया कि वह प्रियंका के जीवन पर एक फिल्म बनाएगा। तभी प्रियंका ने गुस्सा होकर असीम को लीगल नोटिस भेजा। जैकलिन फर्नांडिस और हसन बिन राशिद अल खलीफा। दिशुम फिल्म की एक्ट्रेस जैकलिन बहरीन के राजकुमार हसन बिन राशिद अल खलीफा की गर्लफ्रेंड थी। यह दोनों 2 साल साथ में रहे, जब तक जैकलिन बॉलीवुड में एंटर नहीं हुई थी। जब उसने बॉलीवुड में कदम रखा और साजिद खान के साथ जुड़ी, तब इन दोनों में अनबन शुरू होने लगे और दोनों का ब्रेकअप हो गया। अर्जुन कपूर और अर्पिता खान। अर्जुन कपूर बॉलीवुड में एंटर होने से पहले सलमान खान की बहन अर्पिता खान को डेट करते थे। इस रिश्ते को लेके अर्जुन बहुत ही सीरियस थे और दोनों ने 2 साल तक एक दूसरे को डेट किया और हाल ही में 2 साल पहले अर्पिता ने अर्जुन के साथ ब्रेकअप कर लिया। अनुष्का शर्मा और जोएब यूसुफ। अनुष्का और जोएब एक दूसरे को बेंगलोर शहर में मिले थे जब अनुष्का मॉडलिंग कर रही थी। अनुष्का जब पहली फिल्म रब ने बना ली जोड़ी में हिट हुई और कभी उसे पीछे मुड़ के जोएब को नहीं देखा। आलिया भट्ट और अली दादरकर। आलिया और अली दोनों एक साथ स्कूल में जाते थे, लेकिन जब आलिया ने स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म की, उसके बाद यह दोनों कभी भी एक साथ नहीं दिखे। ऐश्वर्या राय और राजीव मूलचंदानी। आपको यकीन नहीं होगा कि अपने मॉडलिंग के दिनों में ऐश्वर्या राजीव मूलचंदानी को डेट करती थी। जैसे ही ऐश्वर्या को बॉलीवुड में फिल्म मिलने लगी, तब ऐश ने राजीव को छोड़ दिया और तब सलमान उनके जीवन में आ गए। रणबीर कपूर और अवंतिका मलिक। अवंतिका मलिक के पहले क्रश रणबीर थे, लेकिन कुछ साल पहले ही अवंतिका ने एक्टर इमरान खान से शादी कर ली। अवंतिका सीरियल्स में बाल कलाकार की भूमिका निभाती थी, तब रणबीर उनसे मिलने सेट पे जाते थे। सोनाक्षी सिन्हा और आदित्य श्रॉफ। जब सोनाक्षी सिन्हा फेमस एक्ट्रेस नहीं थी, तब वह फैम सिनेमा के MD आदित्य श्रॉफ को डेट करती थी। इन दोनों ने करीब 2 साल तक एक दूसरे को डेट किया और कुछ व्यक्तिगत बात से दोनों का ब्रेकअप हो गया। आहाना देओल और रणवीर सिंह। जब रणवीर कॉलेज में जाते थे, तब वह धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की बेटी आहाना को डेट करते थे। इन दोनों ने बहुत ही कम समय एक दूसरे को डेट किया। आहाना और आदित्य रॉय कपूर। आहाना और आदित्य रॉय कपूर ने करीब एक दूसरे को 4 साल तक डेट किया, लेकिन कभी भी यह बात बाहर नहीं आई। और 2014 में आहाना दिल्ली के बिजनेसमैन वैभव वोहरा के साथ शादी के बंधन में बंध गई।